हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निहारिका। सो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूं। आप सबको बिरयानी खाना तो बहुत पसंद होगा, तो मैं आज आपके लिए एक यूनिक बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पर्दा बिरयानी कैसे बनाते हैं। पर्दा बिरयानी एक तरह का बिरयानी को दम देने का तरीका है, और ये एक तरह की नान रोटी है जिसके अंदर आप बिरयानी को दम देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिरयानी का पर्दा मींस नान रोटी बनाने के लिए हमें यहाँ पे आधा कप गुनगुना दूध लेना है, एक छोटी चम्मच चीनी डालना है उसके अंदर, और एक बड़ा चम्मच हमें ड्राई एक्टिव ईस्ट डालना है, और इसे अच्छे से घोल के हमें 5 मिनट के लिए अलग रख देना है, जिससे ये ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगी। अब हमें एक बोल में 2 कप मैदा लेनी है, करीब ये 200 ग्राम मैदा है, और इसके अंदर हम एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे और 2 बड़ा चम्मच हम तेल डालेंगे, और हमारी ईस्ट भी अब तक एक्टिवेट हो गई होगी तो उसको भी हम इसके अंदर डालेंगे, और एक नरम आटा इसका गूंदेंगे, और इसकी ही हम नान रोटी जो है, जो पर्दा है बिरयानी का, उसको बनाएंगे। सो आप गाइस देख सकते हो, मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है और तेल डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब मैं इसके अंदर जो एक्टिव ईस्ट है हमारी, वो डालेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारी ईस्ट काफ़ी अच्छे से एक्टिव हो चुकी है। ईस्ट डालना काफ़ी ज़रूरी है इस पर्दे को बनाने के लिए। तो इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया, और थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के मैं इसका नरम आटा गूंद लूँगी, और करीब 1 घंटे के लिए हम इसे ढक के रख देंगे, और 1 घंटे बाद ये आटा फूल के डबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं आटा गूंद रही हूँ, और उसके बाद मैं 1 घंटे के लिए इसको ढक के रख दूँगी। सो फ्रेंड्स, जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम चावल बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप चावल लिए हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो मेरे डेली घर में चावल यूज़ होते हैं मैंने वो लिए हैं। आपके पास बिरयानी राइस है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और मैं अब इसमें तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची और थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉयल कर लूँगी। हमें चावल को पूरा फुल नहीं पकाना है, 70 से 80% तक हमें इस चावल को बॉयल करना है। सो गाइज, आप देख सकते हो इसमें उबाल आ गया है। अब मैं गैस थोड़ी धीमी कर दूँगी, ढक के हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। सो गाइज, आप देख सकते हो चावल पक चुके हैं और थोड़े से कच्चे हैं, हमें इतना ही चाहिए था। अब मैं इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसको छान लूँगी और इसको एक साइड रख दूँगी। सो गाइज, अब हम सब्जी की तैयारी करते हैं। मैं यहाँ पे वेजिटेबल पर्दा बिरयानी बना रही हूँ, आप चाहो तो नॉन वेज भी बना सकते हैं, और मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। सो गाइज, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी लिया है, उसमें मैं काजू बादाम फ्राई कर रही हूँ। गोल्डन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसको अलग से एक बर्तन में निकाल के आप रख दीजिए। और अब हम इसी पैन में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे, आप चाहो तो घी में ही बना सकते हो। और अब मैं इसमें तेज पत्ता, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग और हरी इलायची, जीरा, ये सारी चीज़ें डालकर इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। सो गाइज, जो हमारे खड़े मसाले थे वो थोड़े पक गए हैं। अब मैं इसमें 2 बड़े प्याज जो मैंने पतले पतले काटे हुए हैं उनको मैं फ्राई करूँगी। तो गोल्डन होने तक हमें इसे फ्राई करना है अच्छे से। अब मैं इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 बड़ा टमाटर जो मैंने चॉप कर लिया है उसको मैं डालूँगी और इसे भी फ्राई करूँगी। गाइस, आपको ध्यान देना कि हमें ज़्यादा सब्जियों को गलाना नहीं है, बस हल्का सा हमें इन्हें फ्राई करना है, क्योंकि अभी हम इसे दम देंगे तो उसमें ये सारी सब्जियाँ पक जाएंगी।
अब मैं इसमें कटी हुई गोभी डाल रही हूँ, कटी हुई शिमला मिर्च डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आपके पास जो भी सब्जियाँ घर में अवेलेबल हैं आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो सब्जी थी वो मैंने इसमें यूज़ करी है और इसको भी मैं हल्का फ्राई कर लूँगी। और अब मैं इसमें उबले हुए सोयाबीन की बरी जो है उनको मैंने इसमें डाला है और इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। अब मैंने इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, 1 बड़ा चम्मच नमक डाला है, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाला है और मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला डाला है। मैं यहाँ पे बॉम्बे बिरयानी मसाला जो आता है वो मैंने यूज़ किया है। आपके पास जो भी बिरयानी मसाला है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं मसालों को अच्छे से पका लूँगी। अब मैं इसमें 1/2 कप मैंने पनीर डाला है। ये पनीर भी मैंने घर पर ही बनाया था और ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं पनीर तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसको भी अच्छे से मैं मसाले के साथ पका लूँगी। अब फ्रेंड्स, मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप दही और दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और हम इसको अब 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे जिससे मसाले हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाएं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आटा फूल के डबल हो गया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए एक बार और गूंद लूँगी, फिर इसकी एक हम बड़ी सी रोटी बेलेंगे। आपको रोटी थोड़ी बड़ी बेलनी है क्योंकि इसके अंदर भरकर ही हम बिरयानी को दम करेंगे, तो आपको इतनी बड़ी रोटी बेलनी है कि हम ऊपर से उसको ढक सकें। तो जैसे मैं बेल रही हूँ वैसे ही आपको बेलना है, थोड़ा सा सूखा मैदा लगा कर आपको एक पतली बड़ी सी रोटी बेलनी है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने मैदे की रोटी बेल के तैयार कर ली है और मैंने यहाँ पे एक केक मोड लिया है, उसमें मैंने बटर लगा के चिकना कर लिया और मैं इसमें डाल रही हूँ कलौंजी, जो अनियन सीड आते हैं वो डाल रही हूँ, और थोड़ी सी मैं वाइट तिल डाल रही हूँ। अब मैं इसमें जो रोटी है उसको मैं प्लेस करूँगी। आप देख सकते हो इस तरह से आपको पूरा नीचे तक आपको इस तरह से रोटी को रखना है और इसी में हम अब बिरयानी की लेयर लगाएंगे। तो इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। सो फ्रेंड्स, हमारे मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। अब हम बनाएंगे बिरयानी की लेयर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो अनियन फ्राई कर लिए थे, आप भी अलग से फ्राई कर लीजिएगा, उसकी मैंने लेयर लगा दी और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़े से चावल और इसकी एक लेयर बना दूंगी। इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको उसकी लेयर बनानी है। फिर हम डालेंगे हरा धनिया और जो मैंने काजू बादाम फ्राई करे थे वो आपको डालने हैं, वो क्लिप मिस हो गई है, आपको उसमें डालने हैं इसी तरह से। फिर हम ऊपर से चावल की लेयर लगाएंगे। फिर हम डालेंगे जो हमारी सब्जियां हैं वो सारी सब्जियां हम इसमें भर देंगे, इस तरह से आप देख सकते हो उसकी लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम फिर से चावल की लेयर लगाएंगे एक बार और, तो आप देख सकते हो इस तरह से आपको लेयर बनानी है। और अब मैं डालूंगी इसमें कटा हुआ पुदीना और 2 बड़े चम्मच मैंने घी डाले हैं, ऊपर से मैंने घी डाल दिया है 2 बड़े चम्मच। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गरम दूध में केसर भिगो के रखा था तो वो मैंने डाला है और थोड़ा सा मैं केसर वाला रंग जो होता है वो मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, इससे बिरयानी का रंग काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर दीजिए। सो फ्रेंड, बिरयानी की लेयर हमने बना ली है। अब मैं इस तरह से आटे से पूरी तरह से इसको ढक दूंगी और थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करके चारों तरफ से इसको ढकना है और ऊपर से थोड़ा सा आप दूध ब्रश कर लीजिए, अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडा भी ब्रश कर सकते हैं, इससे कलर काफ़ी अच्छा आएगा, जो क्रस्ट बनेगा वो काफ़ी गोल्डन बनेगा। और मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवन को प्रीहीट करके इसको 20 से 30 मिनट के लिए आपको बेक करना है। और अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप कुकर या कढ़ाई में भी इसको बेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो 1/2 घंटे बाद कितने अच्छे से ये गोल्डन हो गया है, अच्छे से कुक हो गया। इसका जो ब्रेड है वो भी काफ़ी अच्छा बना है, काफ़ी अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं चाकू को चारों तरफ इस तरह से फेर लूँगी जिससे हमारी जो बिरयानी है वो ईज़िली
निकल आए। तो आप देख सकते हो पर्दा बिरयानी बनके रेडी है, और जो हमारा पर्दा बना है वो कितने अच्छे से कुक हुआ है। कलर इसका इतना खूबसूरत आया है, इसकी स्मेल इतनी अच्छी आ रही थी पूरे घर में, और ये काफ़ी यूनिक तरीका है बिरयानी को दम करने का। और जो ये क्रस्ट है, इसके साथ बिरयानी जब आप खाओगे तो काफ़ी डिलीशियस लगेगी और एकदम आपको रेस्टोरेंट जैसा फील आएगा। और इस टाइम पे अगर आप रेस्टोरेंट वाली बिरयानी मिस कर रहे हैं तो ये आप ज़रूर बनाइएगा अपने घर वालों को, और आपके घर वाले ज़रूर सरप्राइज होंगे ये बिरयानी देखकर। काट के दिखा दे रही हूँ, तो आप देख सकते हो, आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि इतनी सॉफ्ट इसका डो तैयार हुआ है, कितने अच्छे से कुक हो गया है, और बिरयानी भी काफ़ी अच्छे से दम हो गई है। तो आप देख सकते हैं बिरयानी अच्छे से हमारी कुक हो गई है, अच्छे से दम हो गई है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी पर्दा बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे अपने घर पर। अगर आप इसको ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको बिरयानी कैसे लगी, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे टैग कर सकते हैं। जब आप बिरयानी बनाओ तो आप मुझे वहाँ पर टैग ज़रूर करिएगा बिरयानी की फ़ोटोज़ के साथ। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।